अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको जो है व्लॉग नहीं दिखाने वाली, कोई वीडियो नहीं है। बस आज की वीडियो जो है वो मैंने एक व्लॉग शेयर किया था, उसमें मैंने अपनी एक रूटीन शेयर की थी। उस रूटीन में जो है मैंने ये सी एस सी 1000+ शेयर किया था कि मैं यूज़ कर रही थी। तो मुझे कुछ गर्ल्स का DM आया था और उन्होंने मुझे पूछा कि आप किस तरह से यूज़ कर रही हैं और क्या है इसके, क्या फ़ायदे हैं, क्या हमें यूज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए और कहाँ से मिलती है ये वो। तो मैंने सोचा इस पे जो है मैं डिटेल से एक वीडियो बनाती हूँ और मैं आपको बताती हूँ। ये तकरीबन मुझे जो है वो 1 साल होने वाला है और ये मैं यूज़ कर रही हूँ। और मुझे जो है क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, क्या हुआ, मैं किस तरह से यूज़ कर रही हूँ, सारा कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। तो मेरी वीडियो जो है वो लाजमी देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। और जो है मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे जो है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो है मेरी वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मैं 1 साल से इसे यूज़ कर रही हूँ और मुझे जो है अपनी डॉक्टर ने रिकमेंड की थी। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो मैं डॉक्टर के यहाँ गई थी। तो फिर मुझे जो है अपनी डॉक्टर ने कहा था कि आप ये यूज़ करें और उसके बाद फिर मैंने अपनी ज़िंदगी में इसको शामिल कर लिया। और मैं जो ये यूज़ कर रही हूँ, मुझे जो है वो काफ़ी फ़ायदा हुआ है। और आपको पता है कि मैं वो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जो मुझे खुद जो है जिनसे फ़ायदा हुआ हो, चाहे वो कोई सप्लीमेंट हो, चाहे कोई वो वजीफ़ा हो, चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी चीज़ हो, कोई रेसिपी वगैरह हो, जो मुझे अच्छी लगती है और मुझे फ़ायदा होता है, जो मेरे लिए अच्छी साबित होती है, तो वो मैं आप लोगों को साथ भी शेयर करती हूँ ताकि आप लोगों को भी वो उसका फ़ायदा हो और आप भी जो है वो अच्छे तरीके से उसे यूज़ कर सकें। तो मेरा मकसद बस यही है कि मैं खुश हूँ, आप सब भी खुश हों, तो बस अपनी लाइफ को जो है वो इन्जॉय करें। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये आप लोग यूज़ बिल्कुल आप लोग यूज़ कर सकते हो। ये दिन में बस एक दफ़ा ही यूज़ करनी होती है। और इसमें जो है वो कैल्शियम है। और आप क्योंकि जो एक मतलब कि एक मदर होती है या एक प्रेग्नेंट जो वुमेन होती है या एक जो टीनेजर्स की गर्ल्स हैं उनके भी मसले मसाइल होते हैं, तो फिर ये सबके लिए जो है वो इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि ज़्यादातर कुछ लोग होते हैं वो जो है कैल्शियम की टेबलेट वगैरह नहीं लेते। तो आपको पता है कि हम गर्ल्स के लिए जो है वो कैल्शियम कितना ज़रूरी है। तो आजकल जो है हम लोग तकरीबन मटन, बीफ वगैरह ये वो सारी चीज़ें, फ़िश जैसे हो गई, तो जो इस तरह की चीज़ें नहीं खा रहे, हमें अंडे वगैरह भी तकरीबन नहीं खा रहे, स्मेल आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो और कोई चीज़ जो है यह भी है कि वो कोई चीज़ जो है वो फ्रेश भी नहीं है, तो मिलावट है सब में। और जो है हम चिकन खा रहे हैं वो भी फार्मी चिकन है, मतलब कि देसी नहीं है, और अंडे भी किस तरह के हैं, तो इस ज़ाहिर सी बात है हम लोग जो है वो मिलावटी चीज़ें खा रहे हैं। हम लोग तकरीबन फ्रूट वगैरह भी, कुछ फ्रूट जो है वो किसी को पसंद होते हैं नहीं होते, या कोई खा सकता है, कोई अफोर्ड कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। तो इस तरह से फिर हमें जो है ये कैल्शियम लाजमी लेना है। इसमें कैल्शियम है, विटामिन D3 है और जो है इम्पोर्टेंट B6 है। विटामिन B6 जो होती है वो है, और जो है मेन बात इसमें विटामिन C है। विटामिन C आपको पता है कि हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी है, हमारी आइज़ के लिए बहुत अच्छी है, जो है हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है हमारे लिए विटामिन C। और जो है विटामिन C का इस्तेमाल लाजमी है हमारी जो है वो ज़िंदगी में लाजमी होना चाहिए। विटामिन C का क्या होता है कि ऑरेंज में है, ऑरेंज हम जब एक साल में एक दफ़ा आती है तो फिर हम लोग खाते हैं, ठीक है। और जो है लेमन में है, लेमन तो तकरीबन वो हर मौसम में होता है। और ये होता है कि कोई लेमन खाता है, किसी को पसंद है, किसी को नहीं पसंद, कोई नहीं खाता है, ठीक हो गया। तो और जो है अनार में है, अनार की भी मौसम होती है उसमें आता है, तो फिर और कोई बंदा खा सकता है, कोई नहीं खा सकता, ठीक हो गया। और जो है और मतलब कि वेजिटेबल्स में होती है, तो वेजिटेबल्स का ये कि हम वेजिटेबल्स कुछ खाते हैं कुछ नहीं खाते, ठीक हो गया। तो उसके बाद फिर ये है कि वेजिटेबल्स जो है हमें अपने खाने में जो है सैलेड का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए, हम लोग जो नहीं करते तो वो हमें लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि सब्ज़ियों में जो है विटामिन C होता है। अगर हम सब्ज़ियों को पकाते हैं जैसे, तो फिर उनका विटामिन C ज़ाया हो जाता है। हमें वो सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करनी चाहिए जैसे खीरा हो गया, जो हम लोग कच्ची भी खा सकते हैं, ठीक है, सलाद पत्ता हो गया, इस तरह की चीज़ें, तो उनमें जो है विटामिन C भरपूर होता है। तो विटामिन C हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे जो है बालों के लिए, हमारी स्किन के लिए, हमारी आँखों के लिए, हमारे नेल्स के लिए, हमारे टीथ के लिए, हर चीज़ के लिए, मतलब कि विटामिन D जो है वो ज़रूरी है।
ये बात भी क्लियर हो गई कि ये हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, तो आप अपनी लाइफ में इसे शामिल करें। मैं आपको कहती हूँ कि आप ये लें, दिन में एक दफ़ा लें, ज़्यादा ना लें। और हाँ एक बात, जो जिन गर्ल्स को जो है स्टोन का मतलब कि किडनी में स्टोन है वगैरह, तो वो थोड़ा सा एहतियात करें, डॉक्टर के हिसाब से लें, अपने डॉक्टर से बात करें और उन्हें जो है फिर वो उनके हिसाब से इस्तेमाल करें, वो फिर ना करें, ठीक है? क्योंकि और अगर हम ये ले रहे हैं तो हमें जो है वो 3 लीटर पानी भी पीना है, ठीक है? तो हमें पानी भी बहुत ज़्यादा पीना है और दिन में एक दफ़ा लेना है। ये नहीं कि आपने सुबह ले ली या शाम में ले ली, इस तरह से नहीं। बस कोई एक टाइम बना लें, जैसे मैंने बनाया हुआ है अपना, दोपहर के खाने के बाद मैंने बनाया हुआ है, तो मैं दोपहर के खाने के बाद जो है वो ये एक लेती हूँ, ठीक हो गया? बस थोड़ा पानी लेती हूँ, 1 गिलास से थोड़ा सा कम, तो उसमें मैं ये ठंडा पानी लेती हूँ, उसमें ये डाल लेती हूँ। जब वो घुल जाता है तो उसे जो है फिर मैं पी लेती हूँ। तो इस तरह से आई होप मेरी आज की वीडियो जो है आप लोगों को पसंद आई होगी। मैं वही चीज़ें बताती हूँ जो मैंने खुद यूज़ की होती है और मुझे जो है फ़र्क पड़ा होता है, तो फिर मैं आपको बताती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह से मेरी स्किन अच्छी होगी, मेरी सेहत अच्छी होगी, माशाल्लाह से मेरा कलर सब कुछ सही हो गया, माशाल्लाह से मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, तभी मैं आप लोगों को बता रही हूँ। आप लोग भी यूज़ करें, फिर अपना जो है वो फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।